नमस्कार दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपने जो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स थे उनसे काफ़ी सारी हमने शीट्स बनाई थी। जो ड्राइंग का पेपर आना था वो इंजीनियरिंग ड्राइंग A3 साइज़ में शीट्स पे आना था, लेकिन अब ऐसा है कि अब MCQ आ रहे हैं, 6 MCQs आएंगे 12 मार्क्स के। तो आइए अब हम 1x1 MCQs डिस्कस करते हैं। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जो हमने ये ड्रॉ किया था सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये देखिए फर्स्ट एंगल का सिंबल इस तरह से होता है ये हमारा। अब अगर ये डी डायमीटर है और डी को 40 ले रहे हैं, अगर डी को 40 mm ले रहे हैं, 40 mm, तो ये 1.25D कितना होगा, 1.25D कितना होगा, ये होगा 125/100×40, ठीक है, और पॉज कर दैट। तो फिर ये आ गया हमारा 50 mm। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, ये है हमारा 50 mm, और फॉर्मूला क्या है, 1.25D। और ये लाइन ध्यान से देखो आप, इस पर जूम करते हैं हम, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन, एक बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन। तो जो बड़ी लाइन है वो कितनी, 10 to 25 mm होती है, बड़ी जो लाइन होती है वो 10 to 25। जो ज़्यादा बड़ी ड्राइंग होगी उसमें 25 mm तक हम ले सकते हैं, और छोटी में 10 mm तक। फिर 1 mm का गैप, 2 mm की लाइन, 1 mm का गैप, फिर उसके बाद, तो इस तरह से सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर लाइन जो कि हमारी थिन लाइन ही होती है, और ये मीडियम 2H पेंसिल से बनती है। कौन सी पेंसिल से, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेंटर लाइन है वो कौन सी पेंसिल से बनती है, CENTRE, सेंटर लाइन, लोकस लाइन भी इसको बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, लोकस लाइन भी। क्या काम है इसका, किसी भी चीज़ के, जैसे ये देखो आप, बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, ये देखो, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। तो और ये जो इसके, ये जो है ये आउट लाइन, आंसर लाइन शो कर रही है, इसको हम एच या फिर HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो मार्जिन है, हाशिया जिसको बोलते हैं, ये जो मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन, ये भी हम H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ताकि ये डार्क दिखे हमारा। और ये भी कौन सी लाइन होगी, थिक, मोटी लाइन, थिक लाइन, ठीक है, थिक लाइन 0.5 mm से ज़्यादा होगी, ठीक है, 0.5 से 1.2 mm तक होगी, 1.2 mm, एक पॉइंट मैक्सिमम 1.2 mm तक होगी। और ये किस पेंसिल से बनेगी, H से। तो अभी और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सिंबल में, तो ये आ सकता है आपको कि, और ये वाला जो है ये D/2 होता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर D/2। तो D कितना है हमारे पास, 40, तो D/2 कितना होगा यहाँ पर, 20। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, अलाइंड सिस्टम में लिखते हैं, तो ये कितना होगा हमारा, कितना होगा, 20 D/2। ये सारा जो डिमेंशनिंग की गई है, दिस इज़ इन अलाइंड सिस्टम, अलाइंड सिस्टम, अलाइंड सिस्टम। अलाइन सिस्टम ऑफ डिमेंशनिंग, हमारा अलाइन सिस्टम है। अलाइन सिस्टम में क्या, कैसे ड्राइंग को पढ़ा जाता है, बॉटम से अप, जैसे ये लाइन के ऊपर लिखा गया है बॉटम अप, बॉटम से अप पढ़ा जाता है। ये 60 लिखा गया है, ठीक है, ये 20 है, ये 20 है, तो लाइन नीचे से ऊपर को पढ़ रहे हैं। और फिर कैसे पढ़ रहे हैं, इस तरफ से इधर को, इधर से इधर को, मतलब राइट टू लेफ्ट बॉटम अप। ये देखो आप, यहाँ से ऊपर को पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे 20 लिखेंगे। और ये जो ये लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं डिमेंशन लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, डिमेंशन लाइन, डिमेंशनिंग लाइन, जो कि आपकी डिमेंशनिंग दिखा रही है, दिस इज़ योर डिमेंशनिंग लाइन, ये जो डिमेंशन दिखा रही है, दिस इज़ एरो, इसको बोलेंगे हम एरो, ये है हमारा एरो। और ये एरो, ये डिमेंशनिंग लाइन, और ये वाली जो लाइन है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एरो मार के कि ये बताओ कौन सी लाइन है, दिस इज़ एक्सटेंशन लाइन,
दिस इज एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से इसकी डिमेंशनिंग, ये भी सारी जितनी भी ये लाइनें हैं जो एक्सटेंड की गई है, दीज आर एक्सटेंशन लाइन्स, ये इसकी एक्सटेंशन दिखा रही है, एक्सटेंशन लाइन। और ये जो सारा सिस्टम है ये डिमेंशनिंग लाइन, पूरा जो डिमेंशनिंग लाइन एरो और ये, और जो लिखा हुआ है 20, ये सारा क्या बताता है आपकी, ये डिमेंशनिंग बता रहा है। और ये जो डिमेंशनिंग लाइन एरो, ये सारा किस पेंसिल से बनाया जाएगा, 3H, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि डिमेंशनिंग लाइन एरो और एक्सटेंशन लाइन किस पेंसिल से बनाई जाती है, और ये कौन सी लाइन है, थिन लाइन होती है, पतली, 3H पेंसिल से जो लाइनें बनेगी दैट इज़ थिन लाइन। तो ये लाइन क्या हुआ हमारा डिमेंशन, ये सारा सिस्टम डिमेंशनिंग का है। अच्छा, जो हम लिखते हैं, लिखने के लिए हम HB पेंसिल इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा डार्क दिखे, जैसे ये लिखा हुआ है थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ हम देख सकते हैं इस शीट पे, लिखने के लिए इस शीट पे हम देख सकते हैं, टाइटल ब्लॉक हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो आंसर लाइन है, बॉर्डर लाइन, ये डार्क है, ये डार्क है, और कंस्ट्रक्शन लाइन थोड़ी लाइट है, 3H पेंसिल से बनाई गई है, और ये HB पेंसिल से बनाया गया है, और लिखाने के लिए भी लिखाई भी डार्क की गई है, ये भी HB पेंसिल का इस्तेमाल किया गया है लिखाई के लिए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये जो हमारा डायमेंशनिंग है, जब हम बॉटम अप लिखते हैं और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, दैट इज़ अलाइन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा था 2-3 सालों से बनाने के लिए ये सेम, बट इस बार MCQ आएगा तो वो ऐसे भी पूछ सकता है आपको, एक डायग्राम आ सकता है इस तरह का, बताओ जी कौन सा सिस्टम है ये। तो अगर आपने देखा कि लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, सारे में लाइन के ऊपर, तो दैट इज़ अलाइंड। अब दूसरा जो सिस्टम जो इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो और भी है बट जो आ सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है, सब कुछ सेम है बट हम लिखते हैं लाइन के, हम लाइन के बीच में लिखते हैं, ठीक है, एरो लाइन के बीच में लिखा जाता है सीधा। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिखना था, ये 20 ऐसे को लिखना था, सीधा ही नीचे को 25 ऐसे को सीधा लिखते हैं इसमें, इस तरह से, और ठीक है ये 70 भी ऐसे आना था, ठीक, थोड़ी सी गलती है यहाँ पर। और उसके बाद एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, जो एरो हेड, एरो की रेशो है, ये लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, इसकी रेशो होती है 3:1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरो हेड की जो लंबाई है, लंबाई, ये जो एरो की लंबाई है, कितना लंबा है एरो, जैसे मान लो एरो ऐसे बनाया हमने, तो ये एरो कितना लंबा और कितना चौड़ा है, ये एरो की लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ये होगी 3, ठीक है, लंबाई और जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 1। तो लंबाई और चौड़ाई की रेशो होगी, लेंथ रेशो ब्रेथ इज इक्वल टू 3:1। और अगर ये उल्टा आ जाए, इसकी एरो की हाइट भी बोल सकते हैं इसको, तो दैट इज़, अगर ये उल्टा आ जाए तो होगा 1:3। तो ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ से बनता है कि जो एरो का जो डिमेंशनिंग है दैट इज़ 3:1, 3 इज़ द लेंथ ऑफ द एरो एंड दिस इज़, इसको हाइट भी बोल सकते हैं, ब्रेथ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एरो भी 3H पेंसिल से बनता है, एरो भी 3H पेंसिल से बनता है, दिस इज़ थिन लाइट पेंसिल से बनता है एरो। तो मैं, ये शायद आपको क्लियर हो गया है ये, अब लाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम अभी सिंबल की बात कर रहे थे। तो इस सिंबल में, सिंबल से हम ये जो इसमें डिमेंशनिंग हुई है, ये अलाइंट सिस्टम से हुई है, अलाइंट सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल का सिंबल मैंने आपको दिखा दिया, ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है, और ये थर्ड एंगल का सिंबल है, थर्ड एंगल का सिंबल उल्टा होता है। अभी हम बाद में जब आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझाऊंगा, पूरा रिवीजन करेंगे, तो उसमें समझाऊंगा कि फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, फ्रंट के साथ में साइड व्यू बनता है और यहाँ पर प्रोजेक्शन, और थर्ड एंगल में उल्टा होता है, ये फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा। तो ये MCQ यहाँ से भी बन गया आपका, बताओ जी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर बनता है, और थर्ड एंगल में कहाँ बनता है फ्रंट व्यू, नीचे, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो ये भी छोटे छोटे MCQ है, हम इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर जब सिंबल की बात आई थी तो मैंने आपको बता दिया ये, तो फ्रंट के साथ बनेगा साइड थर्ड एंगल में, ठीक है, थर्ड एंगल का सिंबल अभी हम इसको बाद में करेंगे डिस्कस। तो ये सिंबल आप देख सकते हैं, आपको ऐसा ही आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये थर्ड एंगल का है, और ये जब सीधा, जस्ट लाइक टॉर्च भी आप इसको समझ सकते हैं कि हम किसी चीज़ पर टॉर्च मार रहे हैं तो उसकी परछाई जो पड़ती है वो सामने पड़ती है, प्लेन पर सामने पड़ती है,
और थर्ड एंगल में जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है, जो फर्स्ट एंगल है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUARDANT क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है, फर्स्ट एंगल में वस्तु सामने पड़ी हुई है, देखने वाला यहाँ से देख रहा है, ये जो व्यू कर रहा है बंदा यहाँ से, और ऑब्जेक्ट सामने पड़ी हुई है, ये ऑब्जेक्ट वस्तु यहाँ से आदमी देखेगा इसी वस्तु को, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तभी हम इसका जो फ्रंट व्यू ऊपर बनाते हैं और टॉप व्यू को यहाँ पर पूरा 180 डिग्री घुमा देंगे, टॉप व्यू नीचे बनता है, तभी फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे फर्स्ट एंगल में, ठीक है। अब थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में जो वस्तु है वो एक तो सबसे पहले नीचे होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड एंगल में जो वस्तु है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, देखने वाला फिर भी यहीं से देख रहा है, देखने वाला यहाँ से ही देख रहा है, इसको पहले क्या दिखेगा, पहले इसको मान लिया जाता है ट्रांसपेरेंट मिरर, इसको एक मिरर मान लिया जाता है, क्या ट्रांसपेरेंट मिरर मान लिया जाता है, तो पहले जो लाइट है वो वस्तु पे पड़ेगी, वस्तु से यहाँ को पड़ेगी, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, नीचे, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा थर्ड एंगल में, नीचे बनेगा। उसके बाद ये जो ये है इसको हम, हमारा रूल क्या है, इमेज को 180 डिग्री ऊपर को पूरा ऊपर को कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो ये फ्रंट व्यू नीचे, तो टॉप व्यू कहाँ गया, ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का फंडा भी मैंने आपको समझा दिया कि सिंबल कैसे बन रहे हैं यहाँ पर, फ्रंट व्यू नीचे क्यों बनता है थर्ड एंगल में, ठीक है, और फर्स्ट एंगल में ऊपर क्यों बनता है, क्योंकि वस्तु ही ऊपर है और देखने वाला भी सामने ही है, वस्तु यहीं पड़ी हुई है तो इसकी इमेज ऊपर ही बनेगी, और थर्ड एंगल में ये जो वस्तु है इस दीवार के पीछे छिपी हुई है, तो इस दीवार को मान लिया हमने ट्रांसपेरेंट मिरर, और जो वस्तु है पहले लाइट जो यहाँ से देखने वाला है ये व्यूअर है, ये व्यूअर यहाँ से देखेगा इस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से यहाँ भी हो सकता है यहाँ पर लाइट पड़ेगी और फिर यहाँ से इस मिरर पे आएगी, तो फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू ऊपर थर्ड एंगल में। और जो हमारे दो और होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जैसे मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में नहीं बनाते, क्योंकि इसमें फ्रंट व्यू भी ऊपर ही बनेगा और टॉप व्यू भी ऊपर ही बनेगा, तो इमेज ओवरलैप कर जाती है, दैट्स वाई द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आर नॉट ड्रॉन इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होगा, दोनों नीचे बन जाएगा, फ्रंट भी और टॉप भी, तो इमेज क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। हमारा मेन एम क्या है, क्यों बनाते हैं हम, देख बाद में डिस्कस करेंगे हम, पॉज करो जरा। अब हम आपको आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बताते हैं, ये है हमारे आइसोमेट्रिक व्यूज़, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स क्या होता है। सबसे पहले तो जैसे हमने इसको 30 डिग्री पे बनाना होता है, एक लाइन लेते हैं, एक यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लेते हैं और एक लाइन पे 30 डिग्री यहाँ लेते हैं और एक, अब यहाँ पर इस एक तरफ इसकी लेंथ आ गई, ठीक है, ये आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूबाइड, जो माचिस की डब्बी आपने देखी होगी, माचिस की डब्बी घर में होती है जिससे माचिस लाते हैं, उसका आइसोमेट्रिक व्यू ऐसे बनेगा, एक तरफ लंबाई, एक तरफ चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये है इसकी ऊंचाई, ये है चौड़ाई और ये है इसकी लंबाई, तो ये यहाँ पर हम इसकी ये काटेंगे, ठीक है, ये तो बनाने का तरीका था। अब आपको ये आ भी सकता है, व्हाट इज़ दिस, डायग्राम आएगा कि ये क्या है, दिस इज़ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूबाइड, ऐसे आएगा आपको कि ये क्यूबाइड का आइसोमेट्रिक व्यू है पहचानने के लिए, अगर MCQ ऐसे आता है, ठीक है। अब जैसे ये है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब, गोटी जो हम लूडो में खेलते हैं वो सब ने खेल ली होगी, तो इसमें कैसे बनाना सिखाया था इसको, 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण और फिर जो हाइट है वो ऊपर को जाती है, जैसे इसमें हाइट ऊपर को जाएगी, ठीक है, तो ये भी आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब ऐसे होगा। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर कैसे बनेगा, इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर, और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल भी यहाँ पर है। अब हम लाइनें जो हमने ये बनाया था ड्राइंग, अब आपको बनाने को नहीं आएगा तो आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, और ये जो लिखा गया है ये गॉथिक स्टाइल में लिखा गया है सारा, अभी हम लेटर राइटिंग के स्टाइल बनाएंगे और इसको टाइटल ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आइसोमेट्रिक, उसके बाद और आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है आपको, देखिए स्क्वेयर पिरामिड, ये स्क्वेयर पिरामिड का आपको डायग्राम आ जाएगा, बताओ भी क्या है, आपने बताना है ये आइसोमेट्रिक व्यू है, क्योंकि ये 30-30 डिग्री पे बना हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वेयर पिरामिड रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, बेस पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको
ये देखिए आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर पिरामिड रेस्टिंग ऑन इट अपेक्स, अपेक्स पे रेस्ट कर रहा है ये, ठीक है। पिरामिड आपने देखा होगा, तो ये भी यहाँ से बनेगा, ये 30 डिग्री पे उल्टा बनेगा यहाँ से 30 डिग्री पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमने बनवाया था, बट अब जब MCQ आ रहे हैं तो हमारे को भी अपना ट्रेंड बदलना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आप देख रहे हो पेंटागोनल पिरामिड रेस्टिंग ऑन द बेस, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागोनल पिरामिड, पांच बजाय इसकी 1, 2, 3, 4, 5 ये बेस पे रेस्ट कर रहा है, तो ये भी यहाँ से ही बना हुआ है 30 डिग्री पे, ये देखिए 30 डिग्री पे बनाया हुआ है, यहाँ यहीं से बना है ये भी, तो जो 30 डिग्री पे बना है दैट इज आइसोमेट्रिक, और जो 90 डिग्री पे बना है दैट इज ऑर्थोग्राफिक। जो 90 डिग्री पे बना है, जो अभी हम समझ रहे थे, ये सारा ऑर्थोग्राफिक है, लंब कोणीय प्रक्षेप। तो अभी हम इसके बाद समझेंगे कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी आ गया है हमारा, तो हम देख सकते हैं इसको, ये देखिए अब हमारा एक ये आइसोमेट्रिक व्यू बना हुआ है, क्योंकि ये 30 डिग्री पे आप देख रहे हो, 30 डिग्री पे है तो ये आइसोमेट्रिक है, ठीक है। ये तो हमारे आता था, हमारे को ये क्वेश्चन आता था, 20 नंबर में आता था, पर अब इसका जो MCQ है, चलो उसमें इस तरह से हम इसको बनाते थे, सिंबल यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बनाते थे, ऑल डायमेंशन इन MM ये लिखते थे, ठीक है। सिंबल सिंबल भी देखो बिल्कुल अच्छे से जैसा मैंने सिखाया है, ये सेंटर लाइन आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटर लाइन, आउट लाइन्स कैसी होती है, जो इसकी प्रोजेक्शन लाइन्स परछाइयाँ जो दिख रही है बहुत थिन लाइन्स, प्रोजेक्शन लाइन्स आर थिन लाइन्स, प्रोजेक्शन लाइन्स, प्रोजेक्शन लाइन परछाइयाँ जो दिख रही है दैट आर ऑल्सो थिन लाइन्स, 3H पेंसिल से उसको बनाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपके बहुत सारे MCQs यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हम इसका तो जो मैंने आपको ये बता दिया है कि अभी तो कोऑर्डिनेट के बारे में ही समझा रहा था मैं आपको, देखो अभी तो बस इससे ये देखिए ऐसे समझा रहा था कि फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ये इसका फ्रंट है, यहाँ से एरो मारा हुआ है फ्रंट का, देखिए ये फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है फ्रंट व्यू में, ये दिख रहा है आपको फ्रंट व्यू में, ये दिख रहा है और फ्रंट व्यू में ये दिख रहा है, ठीक है, और फ्रंट व्यू में ये दिख रहा है आपको, तो ये फ्रंट व्यू में दिख रहा है और बोला है कि फर्स्ट एंगल में बनाओ, तो फर्स्ट एंगल में क्या बोला है, वस्तु जो है वो सामने पड़ी हुई है यहाँ पर, और परछाई कहाँ पड़ेगी इसकी, ये वस्तु है, ये देखने वाला है, ये व्यूअर है, ये व्यू है, ये देख रहा है इसको, वस्तु को देख रहा है, इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, ये जब लाइट आंखों से पड़ेगी, इसकी टॉर्च यहाँ पर पड़ेगी, तो इस दीवार पर परछाई पड़ेगी फर्स्ट एंगल में, तो फ्रंट व्यू कहाँ आ जाएगा, ऊपर आएगा फ्रंट व्यू, और जब इसकी ऊपर से देखेगा इसको नीचे, जैसे रात को दिन में 12 बजे क्या होता है, सूरज सिर पे चढ़ा होता है, सिर में जब सूरज चढ़ा होगा तो इसकी जो टॉप व्यू है सिर आपका परछाई छोटी बढ़ जाएगी, ये टॉप व्यू नीचे आएगा तो, और साइड व्यू यहाँ आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू इधर, साइड व्यू हाँ फर्स्ट एंगल में यहाँ से देख रहा है, क्योंकि ये इस तरफ से देख रहा है, कौन सी तरफ से देख रहा है, राइट से देख रहा है, तो परछाई कहाँ आपको पड़ेगी, परछाई लेफ्ट में पड़ेगी, राइट से देखेगा तो यहाँ से राइट से देख रहा है तो परछाई लेफ्ट में पड़ेगी, ठीक है। फ्रंट व्यू यहाँ पर आएगा, साइड व्यू यहाँ पर आएगा, यहाँ प्रोजेक्शन और यहाँ पर इसके नीचे टॉप व्यू और यहाँ पर प्रोजेक्शन। तो अब देखिए कैसे बनाया हुआ है, ये जो चीज़ है ये देखो ये बनाई हुई है, ये जो चीज़ है वो यहाँ है, ये जो चीज़ है वो यहाँ बनाई है और ये चीज़ यहाँ बनाई हुई है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, क्योंकि राइट से ये जो ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट से दिख रहा था तो राइट से टॉर्च मारेंगे आपकी परछाई लेफ्ट में दिखेगी फर्स्ट एंगल में, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है। तो अब आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, और फर्स्ट एंगल में वस्तु कहाँ होती है, XY लाइन के ऊपर होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है। अब यहाँ फ्रंट व्यू ऊपर बना, टॉप व्यू नीचे बना, ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है, जो छत दिखाई दे रही है, ये जो छत दिखाई दे रही है ये इसका टॉप व्यू है, ये जो छत दिखाई दे रही है, अब देखो यही छत, ये चीज़ ये दिख रही है और इसके बाद ये चीज़ दिख रही है और ये दिख रहा है, तो ये इसका टॉप व्यू है। अब साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये जो चीज़ है ये साइड व्यू है इसका, ये जो चीज़ है ये इसका साइड व्यू है, तो फ्रंट के साथ बनेगा साइड, और ये जो ये चीज़ दिखेगी ये सीधी दिखेगी यहाँ से, तो ये एक लाइन, ये जो लाइन है और ये जो दिख रहा है हमारे को ऐसे, ये इसका साइड व्यू है, और हमने इसकी कुछ परछाइयाँ दिखाई है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसमें जो आंसर लाइन्स है वो डार्क की गई है, वो H पेंसिल से बनाई गई है, ठीक है, जो लिखा हुआ है HB पेंसिल से लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आ सकता है, भी मोस्टली आ सकता है क्वेश्चन की लिखाई किससे करते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, H और HB किसी से भी, 2H से नहीं, 3H से भी नहीं लिखते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, लिखते किससे, HB से लिखेंगे, H से लिखेंगे, ठीक है।
तो आपको पेंसिल्स के बारे में भी जानकारी देंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर ये काफ़ी MCQs डिस्कस हुए हैं, इनका हम ट्राई करेंगे कि आपको PDF अवेलेबल करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब जो हमारे ये मैं लाइंस के बारे में आपको बताया है, यहाँ देखो ये अलग अलग तरह की लाइनें दिख रही है, कोई डॉटेड दिख रही है, कोई डायमेंशनिंग लाइन दिख रही है, कोई कुछ दिख रही है, अलग अलग पेंसिल से आपको MCQ कैसे आएगा कि बताओ ये कौन सी लाइन कौन सी पेंसिल से बनती है, ऐसे MCQ आएगा आपको। तो बहुत सारी लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, डायमेंशनिंग लाइन जो आपको पढ़ाई है, एक्सटेंशन लाइन, हैचिंग लाइन क्या होती है, ये सारी लाइन्स अभी पढ़ाता हूँ ज़रा आपको मैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ ध्यान से देखो ज़रा, देखो ये जो है अभी जो पढ़ाई मैंने, देखो यहाँ पर ए पढ़ाई, ए लगी, देखो ए जो सेंटर लाइन जा रही है, ठीक है। अभी बताया भी था एक बड़ी एक छोटी, बड़ी कितनी होगी 10 से लेकर 25 mm तक, 10 से 25 इतनी बड़ी हो गई बड़े वाली, फिर बीच में 1 mm का गैप, 2 mm की लाइन, 1 mm का गैप, 2 mm की लाइन, फिर बड़ी छोटी, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, लोकस लाइन, किसी भी चीज़ के सेंटर से जो पास करती है उसको बोलते हैं सेंटर लाइन। अच्छा अब ये जो चीज़ थी हमने इसको काट दिया बीच से, ठीक है। सेंटर लाइन इज ऑल्सो ए, सेंटर लाइन भी थिन लाइन होती है और इसको 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं सेंटर लाइन को। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सेंटर लाइन को 2H से, अगर 2H ऑप्शन नहीं होगा तो कई बार 3H से भी कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये एग्जामिनर आपको क्या क्या दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पर हाँ 2H या 3H से या H से भी बन जाएगी, लेकिन 9H से थोड़ी ना बन सकती, ना ही 8H से, 9H तो बहुत हार्ड पेंसिल है, ठीक है। 4H से भी नहीं बनेगी, 4H भी हार्ड है, उसके बाद HB या 2B या 3B से नहीं बनेगी, वो तो सॉफ्ट है, ठीक है, उससे भी नहीं बनेगी, वो सॉफ्ट पेंसिल्स है हमारी। ये देखिए तो ये जो लाइंस है ना, ये अलग अलग, ये देखिए आप डायमेंशनिंग लाइन देख रहे हो, यहाँ देखो डायमेंशन लाइन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ये डायमेंशन लाइन है, अभी पढ़ाया है डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन इज़ अ थिन लाइन, डायमेंशन लाइन इज़ अ थिन लाइन, थिन पतली 3H पेंसिल से बनेगी, एरो भी 3H पेंसिल से बनेगा, ये लिखा जाएगा, लिखने के लिए HB पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो हुण तुसी देखो ये पेंसिलों के टाइप दिखाता हूँ जी आपको मैं, पेंसिल जो होती है कैलो लाइन दो चीज़ों से बनी होती है, ठीक है, ग्रेफाइट और कैलो लाइन, ठीक है। अब जो हार्ड वाली पेंसिल होगी वो तिक्खी होगी थोड़ी, वो हार्ड होगी, और 9H सबसे हार्ड पेंसिल, एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से 100% कि बताओ भाई इन पेंसिलों में से सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, वो है हमारी सबसे जो हार्ड पेंसिल है वो है हमारी 9H, 9H पेंसिल सबसे हार्ड है, उसके बाद 8H आती है, 7H उससे कम, 6H उससे कम, 5H उससे कम, और 9H उससे कम, किस काम आती है, हल्की वो महीम लाइन के लिए, हल्की लाइनें जहाँ देनी है वहाँ हमने हार्ड पेंसिल का यूज़ करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन पेंसिलों का काम बहुत कम आता है, हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ मीडियम ग्रेड पेंसिल्स। और उसमें मैंने भी बताया कि डायमेंशन लाइंस के लिए 3H, जैसे सेंटर लाइन और डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन इज़ ऑल्सो ए मीडियम लाइन, डॉटेड लाइन भी एक मीडियम लाइन है, और ये H पेंसिल का इस्तेमाल होता है बॉर्डर आउटलाइंस के लिए, लिखने के लिए HB पेंसिल का इस्तेमाल होता है। और ज़्यादा आपने डार्क लाइन लगानी है 1.2 mm मोटी तक लगानी है, 1.2 mm तक, तो बोल्ड, दिस इज़ H किसके लिए, हार्ड के लिए, H ग्रेड जो इसका है हार्ड के लिए, और B है बोल्ड, B का मतलब बोल्ड, जैसे हम कंप्यूटर में बोल्ड दबाते हैं तो वो मोटा जाता है अक्षर। अब ये सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिलें आती है तीसरे नंबर पे, सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल्स हैं 2B 3B 4B 5B 6B 7B, ये हमारे काम की नहीं है, ये कलाकार लोग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं वो। एक MCQ यहाँ से एक डेफिनेट आता है कि बताओ कि इनमें से कौन सी पेंसिल्स जो है वो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल, कहाँ से शुरू होती है 2B 3B, इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए तो वो कलाकार यूज़ करते हैं। और अगर आपको बोल दे कि बताओ ऑप्शन आएगा, जैसे मान लो यहाँ से MCQ कैसे आएगा, चार पेंसिलें दी होगी 9H 2H HB और 5B, ठीक है, चार पेंसिलें दी होगी, नीचे करो थोड़ा सा, जैसे मान लो आपको MCQ कैसे आएगा यहाँ से 9H 3H 2H और 6B, बताओ कि इनमें से सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, बताओ कि इनमें से सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, तो आंसर क्या होगा 9H।
बताओ इनमें से सबसे नरम पेंसिल कौन सी है, तो आंसर होगा 6B। बताओ इसमें हमारी जो डिमेंशनिंग लाइन लेने के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ होगी, डिमेंशनिंग लाइन के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ होगी, 3H पेंसिल। बताओ सेंटर लाइन के लिए कौन सी यूज़ होगी, 2H। इनमें से कलाकार कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं, 6B। तो इस तरह के क्वेश्चन MCQs यहाँ से डेफिनेटली आपके बनेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पेंसिल्स पढ़ा दी, ये देखिए आप एक बार फिर से देख सकते हैं ये पेंसिल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पेंसिल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर MCQ यहाँ से बनता ही बनता है। और आप देख रहे हैं ये टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने एक वीडियो, पिछली वीडियो भी डाली है इसमें, देखिए टाइटल ब्लॉक क्या बताता है, आपका आंसर्स, ये आपका नाम, नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, आप कौन से इंस्टीट्यूट से हैं, आपने ड्राइंग है, बाकी जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होती है इंजन के पार्ट, उसमें बिल ऑफ मटेरियल भी बनता है, बिल ऑफ मटेरियल भी इसके ऊपर बनता है टाइटल ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी इससे क्वेश्चन शायद नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो टाइटल ब्लॉक में हम लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, देखो जैसे इस शीट में पेंसिल्स बनी है, इस शीट में पेंसिल बनी है, तो हमने यहाँ पर ये लिखा है कि टाइप्स ऑफ पेंसिल, तो टाइटल ब्लॉक का ये काम होता है। अब जो इसकी स्टैंडर्ड डाइमेंशनिंग है, ISO की जो स्टैंडर्ड डाइमेंशनिंग है, ISO जो बताता है, दैट इज़ जो A0 शीट के लिए है, A0 शीट के लिए है, दैट इज़ 180x65। तो ये डाइमेंशनिंग A0 साइज़ के लिए, बाकी छोटी शीट पे बना रहे हैं तो इससे इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। A0 साइज़ सबसे बड़ा साइज़ होता है ड्राइंग का, ठीक है। ड्राइंग शीट्स पे मैंने आपको अभी पूरी एक पिछली वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें, ड्राइंग शीट्स के ऊपर ही, और लेआउट ऑफ ड्राइंग के ऊपर भी मैंने एक आपको पूरा अभी जानकारी दी है। तो जब हम अब हमारी शीट पे भी पॉज करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैंने आपको पेंसिल्स के बारे में भी बताया, इसके साथ साथ हम पेंसिल्स में भी चले गए। अब हम एक्चुअल में हम लाइन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये जो अब तीसरे ये देखो, ये सेंटर लाइन होती है, ये जी टाइप की लाइन होती है, ये भी MCQ आ सकता है कि सेंटर लाइन जी टाइप की लाइन होती है, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन जो होती है वो H टाइप की लाइन होती है। अब ये काटने के बाद कैसा दिखेगा, कट करने के बाद कैसा दिखता है, कोई भी सेक्शन कट करने के बाद, जैसे मान लो ये है आपका, ये आपकी एक शाफ्ट है जैसे, ठीक है, ये आपकी एक शाफ्ट है, तो कट करने के बाद ये ऐसे दिखेगी, हैचिंग लाइन, दीज आर नोन एज हैचिंग लाइन, ठीक है। जैसे ये दिख रही है शाफ्ट आपकी, ठीक है, हैचिंग लाइंस इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हैचिंग लाइंस कट सेक्शन को दिखाती है, सेक्शन लाइन भी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सेक्शन लाइन। और ये देखिए आप यहाँ पर ये बी टाइप की लाइन जो दिखाई हुई है, अब इसका जो कट सेक्शन देखिए, कट करके दिखाया हुआ है, ये इसका टॉप व्यू है, इसी इसका टॉप व्यू दिखाया हुआ है कट करके यहाँ पर, ये जो इसने काटा इसको देखो, तो ये जो 45 डिग्री पे लाइन है, दैट इज सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन, ठीक है, सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन, ये 45 डिग्री पे बनती है, और ये भी थिन लाइन होती है, थिन लाइन होगी तो या तो 3H से बनेगी या फिर 2H से बनेगी, तो ये ऑप्शन में होता है, वैसे 3H से ही बनती है, ठीक है, थिन लाइन ही होती है, तो थिन लाइन हमारी 3H या 2H, ऑप्शन विल डिसाइड कि आपको किस तरह का ऑप्शन आ रहा है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग पूरा इंडिया है, बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं मैकेनिकल के जो क्वेश्चन डालेंगे, तो अपने अपने हिसाब से वो MCQs के ऑप्शन सेट कर सकते हैं, आपको खुद देखना है। जिसने ये काम किया होगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिसने ये सारा काम किया है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि देखिए हमारा, हमने ये जो करवाया है वो समझता है, बखूबी समझता है, देखिए वो समझता है कि अलग अलग लाइनों का मतलब क्या है। देखिए ये जो आउटलाइंस है यहाँ पर, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागनल पिरामिड, तो वो समझते हैं कि कौन सी लाइन किस पेंसिल से बनानी है, देखिए, ठीक है, वो बखूबी समझते हैं कि कौन सी लाइन डार्क करनी है, आंसर लाइंस जो बॉर्डर लाइंस जिसको बोलते हैं, वो हमारी डार्क होगी HB पेंसिल से। अब ये H ऑप्शन HB आ सकता है, HB भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अब लिखाई के लिए हम HB पेंसिल यूज़ करेंगे, HB आ सकता है ऑप्शन, लेकिन 3H से थोड़ा ना लिखेंगे हम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब ये डिमेंशनिंग लाइन है यहाँ पर, ये 3H पेंसिल से ही लगेगी, कोई 2H भी ऑप्शन डाल सकता है, ठीक है, पर 4H थोड़ी ना डालेगा या 6B थोड़ी ना डालेगा, तो ये आपको खुद समझना है, ठीक है, MCQ किस तरह का आ रहा है हमारे पास। और भी शीट्स हैं हमारे पास, और भी देख सकते हैं, जैसे आप ये आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन,
ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ क्योंकि अब ये पंगा लास्ट में पड़ गया है एमसीक्यूज का, ठीक है, तो ऐसे ही समझना पड़ेगा इसको। देखिए ये जो लाइन है ये डार्क है, आंसर लाइन बता रही है, बाकी कंस्ट्रक्शन लाइन्स हैं, 3H पेंसिल से बनी है, ठीक है, और बाकी लिखा है, लिखा भी HB पेंसिल से लिखा गया है, ठीक है। तो ये है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन, ये भी आ सकता है आपको, इस तरह का डायग्राम आ जाएगा, बताओ भाई क्या है ये, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन है ये, कोन जो आइसक्रीम खाते हैं जिसमें। अब अगर ये बेस पे रेस्ट होगा तो ऐसा होगा, अपेक्स पे रेस्ट करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो हम फिर से लाइन पे चलते हैं, लाइंस चली हुई है हमारी, एक और दिखा देता हूँ आपको, सिलेंडर भी हमने पहले भी दिखाया था, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर, आपको ये लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए दिखाया जा रहा है कि लाइनों को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, और लाइनें बच गई है हमारी, ठीक है, मैंने आपको सिखाई थी एक्सटेंशन लाइन भी, ये देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, ये देखिए एक्सटेंशन लाइन जो एक्सटेंड हुई है यहाँ को, जो यहाँ को एक्सटेंड हुई है, इसकी डिमेंशनिंग इसमें टच नहीं होती, 1 mm दूर रहेगी, और ये देखिए यहाँ पर ये टच नहीं है, यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन है जो एक्सटेंड कर रही है, ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, ये डिमेंशनिंग लाइन है, ये एरो है, ठीक है, और ये इसकी डिमेंशन दिखा रहा है, ठीक है। ये सारा जो भी आप देख रहे हैं, दिस इज़ इन अलाइंड सिस्टम, ठीक है, जब आप लाइन के ऊपर लिख रहे हैं राइट टू लेफ्ट बॉटम टू अप दैट इज़ अलाइंड सिस्टम, और बीच में लिख रहे हैं दैट इज़ यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। तो अब चलिए ये देखिए, ये सारी लाइनें यहाँ पर दी हुई है, हमें सारी लाइंस यहाँ पर दी हुई है, डिमेंशनिंग लाइन आउटलाइन जो ए टाइप की लाइन है, ये मोटी लाइन है थोड़ी सी, ठीक है, ये किससे बनेगी, HB पेंसिल से बनेगी, ठीक है, और ये मोटी लाइन होगी, दिस इज़ थिक, ठीक है, थिक मोटी, ठीक है, ये होगी थिक, ये थिक होगी, थिक होगी, मोटी होगी, ठीक है, जो मोटी मोटी लाइन है वो HB पेंसिल से बनती है। और ये वाली जो कटिंग प्लेन लाइन है, इसकी कन्वेंशन आपको पूछी जा सकती है, कन्वेंशन मतलब कि साइडों से तो ये मोटी है, मोटी पतली मोटी, थिक थिन थिक, तो आपने थिक थिन थिक पे टाइट, ठीक है, आपने थिक थिन और थिक थिन थिक, ठीक है, साइडों से ये मोटी होगी और ऐसे शो करते हैं इसको, कि कटिंग प्लेन लाइन, किसी को काटा है, इस प्लेन को काटा गया है, ठीक है, तो कन्वेंशन भी आपको आ सकती है इसकी, थिक थिन थिक, ठीक है, और ये लाइन थिक है, ठीक है, सेंटर लाइन को हम थिन लाइन भी बोल सकते हैं, कई जगह मीडियम भी लिखा गया है इसको, सेंटर लाइन को, तो इसमें भी आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है जो बीच में दिख ही नहीं रही है, दैट इज़ हिडन लाइन क्या होगी, तीन एम एम की, देखो ऐसे 3 mm, 1 mm का गैप, 3 mm, 3 mm, 3 mm, 3 mm, इसको बोलते हैं मीडियम लाइन, कौन सी, मीडियम ग्रेड की लाइन होगी, और हिडन लाइन, मीडियम जो लाइन है वो 2H से बनेगी, और इसको बोलेंगे हम डॉटेड या फिर हिडन लाइन, जो किसी छुपे हुए सरफेस, किसी छुपी हुई चीज़ को दिखा रही है, जैसे ये है, अब इसके इधर वाला हमारे को नहीं दिखा दे रहा, तो हम इसको डॉटेड से दिखाएंगे, ठीक है, दिस इज़ हिडन लाइन। और भी हमारी लाइन्स हैं यहाँ पर, जैसे कि लीडर लाइन, अब जैसे ये जो सर्कल की डिमेंशनिंग दिखा रहा है, ये इधर को दिखा रहा है, ठीक है, ये आपको सिंबल भी आ सकता है, भाई ये क्या बता रहा है, ये डायमीटर बता रहा है इसका, ये जो फाई का सिंबल है आप देख रहे हो, फाई का सिंबल है, दिस डिनोटिंग द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल 10 mm, ठीक है, mm हम नहीं लिखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, बिकॉज हम एक जगह देखो यहाँ पर हम यहाँ पर mm क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार लिख देते थे हम, क्योंकि ऑल द डायमेंशंस आर इन mm, मीट्रिक सिस्टम यूज़ होता है इंडिया में, ठीक है, तो इस तरह से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब हम फिर इस पे आते हैं, लाइंस जो रह गई है हमारी, सेक्शन लाइन आपको बता दी है, कटिंग प्लेन लाइन और हैचिंग लाइन भी बोलते हैं इसको, उसके बाद एक्सटेंशन लाइन, ये लीडर लाइन जो इसको दिखा रही है, ये लाइन 30 से 45 डिग्री तक बेंड होती है, ये लाइन लीडर लाइन जो होती है 30 से 45 डिग्री तक थोड़ी टेढ़ी होती है, और इसको दिखा रही है, ये लीड कर रही है इसको, ठीक है, और एरो के बाद इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये भी डिमेंशनिंग लाइन का एक पार्ट होती है लीडर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी टाइप्स की लाइन भी देखी, इसके बाद और मार्जिन लाइन जो हाशिया आप देते हैं, ये देखिए ये जो इन शीटों में हाशिया दिया गया हुआ है, ये भी डार्क होती है, ये देखिए जो हाशिया दिया, मार्जिन जो दिया गया हुआ है, ये कितना लेते हैं अभी चला, ये देखिए ये जो लाइंस है आप देख रहे हो बॉर्डर लाइन, तो A0 साइज ये जो हाशिया है कितना देना है, ये यहाँ पर ये कितना देना है, ये है 20 से 40
mm फॉर A0 साइज़ के लिए 20 से 40, यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी लगा हुआ है, तो यहाँ जार देना पड़ता है ये, ठीक है। और यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है ये, इस साइड तो हो गया 20 से 40 mm, और इस साइड होता है ये 5 से लेकर 25 mm, अदर साइड्स में 5 से लेकर 25 mm। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि यहाँ पर कितना ले रहे हैं, फिर यहीं उसी हिसाब से यहाँ लेंगे। अगर यहाँ जैसे मान लो A3 पे काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 20 लिया, यहाँ 10 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज़ योर लेफ्ट मार्जिन, ये बायां बाईं तरफ का मार्जिन है, और ये अपर मार्जिन, ये लोअर मार्जिन, और ये राइट तरफ का। तो ये जो ISO बताता है, उसने तो यही बताया है कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो 20 से 40 होगा ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और जो ऊपर होगा वो 5 से 25 होगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द लेफ्ट मार्जिन अकॉर्डिंग टू द ISO, ISO के अकॉर्डिंग लेफ्ट मार्जिन कितना होगा, 20 से 40, और अदर साइड में कितना होगा, 5 से 25। तो ये जानकारी डेफिनेट है, और ऐसा MCQ आने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी तरह की लाइंस हमने पढ़ ली है, अब इस पे आते हैं ज़रा हम। इसमें देखिए, अब आपकी एक ये देखिए सी टाइप की लाइन है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन, सी टाइप की लाइन दिख रही है, जिसको बोलते हैं थोड़ा रहा है सी टाइप, ये है आपकी शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक ये कहाँ काम आती है, ये बस इस तरह की लाइन है एक, ठीक है, और ये भी एक थिन लाइन है, पतली लाइन है ये भी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शॉर्ट लाइन, थिन लाइन, वेवी, थिन एंड वेवी, ठीक है। दे आर ड्रॉन फ्री हैंड बनेगी, एंड आर यूज टू शो मॉडरेट लेंथ बार्स, छोटी लेंथ की, मॉडरेट कम लेंथ की जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की जो बार होगी, जैसे मैकेनिकल में यूज़ करते हैं हम, काटते हैं टर्नर वेल्डर वाले तो जॉबों को काटते हैं, तो इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। और अगर लंबी वाली शो करनी है, तो उसको भी हम थोड़ा ये जेड टाइप में है, लॉन्ग ब्रेक लाइंस, लंबे वाली जो हमने बार्स को शो करना है, तो उसको यानी ब्रेक देने के लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइंस यूज़ करते हैं। ये भी थिन लाइन होती है, थिन लाइन है तो 2H या 3H से बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी लॉन्ग ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक लाइंस, जैसे ड्राइंग में ब्रेक देनी हो, या जैसे और पार्ट भी है इसका यहाँ, तो ये इसलिए ये लाइन यूज़ होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सेंटर लाइन, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे लाइंस हैं इसमें, लॉन्ग ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, हैचिंग लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, काफ़ी अभी दिखाने के लिए है मेरे पास आपको, कि अभी ये डबल स्टॉक भी दिखाने के लिए है, सिंगल स्टॉक, इटालिक, काफ़ी कुछ अभी टॉपिक रह गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसीलिए इसका पार्ट टू बनाएंगे हम। पार्ट टू में और डिस्कस करेंगे टाइटल ब्लॉक, थोड़ा MCQs डिस्कस करेंगे ज़्यादा, जो भी हमने अभी पढ़ लिया है, जैसे ये गॉथिक स्टाइल कौन सा होता है, ये डबल स्टॉक है, ये गॉथिक जब सीधा लिखते हैं इसको गॉथिक स्टाइल है, इटालिक में 15 डिग्री ऊपर से टिल्ट कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल जो होता है वो उसमें ग्रीटिंग स्टाइल होता है, ठीक है, रोमन में अक्षर की एक साइड मोटी होती है, ये सारा हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी देर हो चुकी है हमें, तो हम अंत तक हमारे साथ बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिमाचल।